गांव रुकना बेगू में एक बेटे द्वारा शराब के आदि अपने पिता को शराब पीने से रोकने पर गुस्साए पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। पिता बोहर सिंह रोजाना शराब पीने का आदि था और उसका बेटा 23 वर्षीय सावन सिंह को अपने पिता द्वारा शराब पीना अच्छा नहीं लगता था, जिसको लेकर बेटा हर रोज अपने पिता को शराब पीने से रोकता था, जिससे घर पर घरेलू क्लेश चलता था। जब पिता रात को शराब पीकर आया तो बेटे ने उसको बुरा भला कहा और बेटा अपने कमरे में चला गया और टीवी देखने लगा। अचानक गुस्से में आए पिता ने बंदूक अपने बेटे के ऊपर टांग दी और गोली चला दी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जरा मुदई परमजीत कौर आ वाइफ ऑफ बोहर सिंह इन्होंने आके सू स्टेटमेंट लिखाई है भी कल रात करीब सौ नौ नौ साढ़े नौ बजे इन्हें हसबेंड बोहर सिंह ने इन्हे मुंडे जरा 12 बोर बंदूक के नाल लाइसेंसी असले के नाल जी गोली मारती है। तो जो मुंडे हस्पताल लेके जा रहे थे रस्ते के डैथ हो गई है। असी वो स्टेटमेंट तो असी अगली कार्रवाई जी अमल में लिया तो नाले एफ आई आर दर्ज करके तो जी अगे जी प्रोसीडिंग हैगी है वो असी शुरू कर लगी। मुंडे का नाम है सावन सिंह तो यदि उम्र हैगी है करीब 23 साल नहीं ये अनमैरिड सीगा। दो लड़के है एक 18 साल की उम्र है और एक 23 साल की। ये वड्डा सीगा तो एक छोटा है 18 साल का। दोवें अनमैरिड सी। घरेलू झगड़ा सीगा इन्हां दा आपस दे विच ते शराब पीण दा इह आदी सीगा ते हाँ गोली मारन वाला। तो कल रात भी जिहड़ा आपस दे विच घरों करी घरेलू कलेश नाल ही झगड़े सीगे ते शराब पीण करके उन्हूं ज़्यादा मतलब हो गया गुस्सा आ गया तो उन्हें आपके पेटी दे विचों राइफल कढ़ी अपना कढ़ी है 12 बोर बंदूक जिहदे नाल उहदे पेट दे विच गोली मारी जिहदे नाल उहदी मौत हो गई। हाँ जी मामला इहदा दर्ज कर लिया ते अगली असी ये हसबेंड के खिलाफ ही किया। परमजीत कौर ने जो बयान लिखाया भी मेरे हसबेंड ने जो आपके बेटे को गोली मारी है उन्होंने बयान के उत्ते बोहर सिंह के खिलाफ जो है एफ आई आर। एंस्टा न्यूज़ के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।